सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 7 बेस्ट बजट 5G स्मार्टफोन अंडर 10,000। तो आपको अगर चाहिए 10,000 के अंदर इंडिया में मिलने वाला बेस्ट 5G स्मार्टफोन तो वीडियो में बने रहना। 10,000 के अंदर जितने सारे 5G मोबाइल मिलते हैं उन सभी के बारे में डिटेल्स में बात किया इस वीडियो में। तो रैंक वाइज सभी डिवाइस के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, आपको पता चल जाएगा आपके लिए कौन सी डिवाइस बेस्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट के इस लिस्ट की जो सबसे पहली डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। दोस्तों ये डिवाइस है पोको की तरफ से न्यूली लॉन्च पोको M6 जो एक 5G डिवाइस है। तो एक एक करके सभी डिटेल्स को जान लेते हैं। बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.74 इंचेस का HD+ डिस्प्ले, जब आपको 600 नीट पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6100 प्लस चिपसेट जो 6nm पे बेस है और ये 5G चिपसेट है। वहीं पे बात करें रैम रोम की तो यहाँ पे 4GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, उसके साथ साथ एक 0.08MP का एक कैमरा भी मिल जाएगा। तो मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें सिक्योरिटी की तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा और दोस्तों यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विथ 18W चार्जिंग। तो चार्जिंग भी ठीक ठाक सा है। और दोस्तों इस मोबाइल की पर्सनली मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इसकी कलर, यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट मिलेगा, एक तो होगा गैलेक्टिक ब्लैक और ओरिएंट ब्लू। मुझे जो ओरिएंट ब्लू वो काफी अच्छा लगा लुक वाइज। और दोस्तों इस डिवाइस पे एंड्रॉइड 13 रन होगा, MIUI 14 चलेगा। तो दोस्तों ये तो इसके सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। बात किया जाए इसकी 4GB 128GB की प्राइस के बारे में तो इसके करंट टाइम पे प्राइस 9200 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 8000 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा डिवाइस है। वहीं पे बात किया जाए 8GB 256GB की प्राइस के बारे में तो उसके करंट टाइम पे प्राइस 10500 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद उसकी भी प्राइस 9500 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे ये भी काफी अच्छा सा एक ऑप्शन है। आपको अगर चाहिए 8GB 256GB वाला डिवाइस तो भी आप इस वेरिएंट को बाय कर सकते। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाला है वीवो की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस वीवो T3 Lite 5G, जो बजट सेगमेंट में काफी अच्छा सा एक डिवाइस है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लुक एंड डिजाइन के बारे में बात करें तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, प्लास्टिक बैक होगा प्लास्टिक फ्रेम के साथ। डिवाइस की वेट होने वाला है 185 ग्राम, डिवाइस काफी हल्का है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाले IP64 की रेटिंग भी, तो डिवाइस वाटरप्रूफ भी होने वाला है। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.56 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। उसके साथ साथ 840 नीट पीक ब्राइटनेस भी मिलेगा, तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको 720x1612 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलने वाले 20:9 रेशियो के साथ। तो डिस्प्ले प्राइस पॉइंट के हिसाब से ओवरऑल काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको हाई पीक ब्राइटनेस और 90Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो डिस्प्ले काफी स्मूथ होने वाला है, कंटेंट कंज्यूम के लिए काफी अच्छा होगा ये। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसकी कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिलेगा। मेन कैमरा से आप 1080 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, उससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी कैमरा के फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 6300 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है और इसके एंटूतु स्कोर 414,000 से ऊपर है। तो आप समझ सकते हो काफी पावरफुल सा एक बजट डिवाइस होने वाला है। इस डिवाइस पे आप थोड़ी बहुत गेम प्ले भी कर सकते हो। रैम रोम वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, 4GB 128GB 6GB 128GB। डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाले, जहाँ पे 15W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। पर दोस्तों इस डिवाइस के साथ आपको एडाप्टर नहीं मिलेगा। हाँ दोस्तों सिर्फ केबल ही मिलने वाले, एडाप्टर नहीं मिलेगा, एडाप्टर आपको सेपरेट से खरीदना पड़ेगा। तो ये इस डिवाइस का एक बैकलॉग है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, डिवाइस एंड्रॉइड 14 पे रन होने वाला है।
तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो 4GB 128GB वाला वेरिएंट की प्राइस इंडियन मार्केट पे अभी 10,500 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो अंडर 10,000 आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। उसके साथ साथ 6GB 128GB की जो प्राइस है वो 11,500 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये डिवाइस है Redmi की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Redmi 13C 5G, जहाँ पे आपको 10,000 के अंदर काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाता है। तो एक एक करके इसके सभी फीचर को जान लेते हैं क्या कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.74 इंच का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको मिलने वाला 90Hz के रिफ्रेश रेट विद 450 नीट पीक ब्राइटनेस। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको काफी अच्छी कैमरा भी मिलने वाले। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा। और दोस्तों वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर, जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा सा एक प्रोसेसर है। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको 12 5G सिम सपोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब इस डिवाइस पे आप दोनों ही 5G सिम यूज कर सकते हो। वहीं पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलेगा, 128GB प्लस 4GB, 128GB प्लस 6GB और 256GB प्लस 8GB। उसके साथ साथ जो वर्चुअल रैम के सपोर्ट है वो भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप आपके रैम को मल्टीपल कर सकते हो। वहीं पे बात करें OS की, तो यहाँ पे आपको Android 13 और MIUI 14 रन होता हुआ मिलेगा। दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। और वहीं पे दोस्तों इस डिवाइस पे आपको सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसके जो बेस वेरिएंट है 4GB प्लस 128GB, उसकी प्राइस 11,000 है। और यहाँ पे कोई भी सेल आता है तो 1000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम 10, तो इसकी प्राइस अंडर 10,000 तक आ जाता है। और नॉर्मल टाइप पे इसकी प्राइस 11,000 रहता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे आप जरूर ले सकते हो, काफी अच्छा सा एक डिवाइस है। तो दोस्तों ये डिवाइस आता है मोटोरोला की तरफ से, न्यूली लॉन्च डिवाइस मोटो G34, जो एक बजट 5G स्मार्टफोन है। तो क्या कुछ मिलता है इस डिवाइस में, एक एक करके डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो काफी प्यारा सा है। और दोस्तों यहाँ पे आपको लेदर फिनिश मिलेगा, जो काफी प्रीमियम फील देगा इस डिवाइस को। वहीं पे बात करें फीचर की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले विद 120Hz रिफ्रेश रेट। हाँ दोस्तों 10,000 के अंदर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो ये डिवाइस काफी पावरफुल होने वाला है। यहाँ पे आपको मिलने वाला Snapdragon 695 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस्ड है। और मुझे इस डिवाइस की सबसे अच्छी बात लगी, इस डिवाइस में आपको 13 5G बैंड मिल जाएगा, जो इंडिया की सभी 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों वही पे बात करें रैम रोम की, तो आपको बेस वेरिएंट में 4GB रैम 128GB रैम मिल जाएगा। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको स्टीरियो स्पीकर की सपोर्ट भी दिया गया, जो भी इस डिवाइस को काफी यूनिक बनाता है इस प्राइस पॉइंट पे। वहीं पे बात करें कैमरा की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहां पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा। बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहां पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। इस डिवाइस पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिल जाएगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों इस डिवाइस पे सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 वर्जन पे रन होगा, जो भी काफी अच्छी बात है। और दोस्तों ये डिवाइस IP53 की रेटिंग के साथ आने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही देख सकते हो, फीचर आपको प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो करंट टाइम में इसकी जो प्राइस वो 11,000 रहता है बेस ब्रांड का, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसके प्राइस अंडर 10,000 आ जाता है। तो 10,000 में काफी अच्छा सा और शानदार सा डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो।
तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाला है इनफिनिक्स की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस इनफिनिक्स हॉट 55G जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले इसके लुक एंड डिजाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, प्लास्टिक फ्रेम होगा प्लास्टिक बैक के साथ, डिवाइस की वेट 188 ग्राम है तो डिवाइस काफी हल्का होने वाला है और कैमरा मॉड्यूल पे आपको एक स्ट्रिप देखने को मिलेगा जो थोड़ा सा यूनिक लुक इस मोबाइल को देता है। इस डिवाइस पे आपको IP54 की डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी मिलने वाला है। बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले जहाँ पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। हाँ दोस्तों अंडर 10,000 पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाला है जो काफी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको 84.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलने वाला है और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डायनेमिक बार भी मिलने वाला है। हाँ दोस्तों आईफोन पे जैसे मिलता है डायनेमिक आइलैंड वैसे ही फीचर आपको इस डिवाइस में भी देखने को मिलेगा जो काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की कैमरा के बारे में तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा तो जो मेन कैमरा होगा वो 48 मेगापिक्सल का होने वाला है। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का IMX 582 कैमरा मिलने वाला है तो कैमरा की जो क्वालिटी है ना वो काफी अच्छा होने वाला है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिलेगा और दोस्तों फ्रंट कैमरा पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है और एक अच्छी बात ये है आपको डुअल LED फ्लैश मिलने वाला है। हाँ दोस्तों फ्रंट और रियर दोनों पे आपको फ्लैश लाइट की सपोर्ट दिया गया है। तो दोस्तों ये तो गया इसके कैमरा की फीचर, आप बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस वाइज भी ये डिवाइस काफी पावरफुल होने वाला है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा Dimensity 6300 5G चिपसेट जो 6 NMB बेस है और जिसके एंथ 420,000 के आसपास है तो 10,000 के अंदर आपको काफी पावरफुल सा चिपसेट भी मिलता है जिसपे आप हाई लेवल की गेम प्ले भी कर सकते हो थोड़ी बहुत। हाँ दोस्तों फ्री फायर पबजी आप आराम से इस डिवाइस पे खेल सकते हो। डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा विथ 10W चार्जिंग और दोस्तों ये डिवाइस 18W की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। दोस्तों ये तो इसकी सभी मेन फीचर, अब बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर के बारे में। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलने वाला है और दोस्तों 3.5mm जैक मिलेगा, उसके साथ साथ ब्लूटूथ वर्जन आपको 5.4 मिलने वाला है। डिवाइस रन होने वाला है एंड्रॉइड 14 और XOS 14.5। तो दोस्तों ये हो गया इसकी सभी फीचर, अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे आपको दो ब्रांड मिलने वाले हैं, जब जो बेस ब्रांड 4GB 128GB जिसकी कान टाइम पे प्राइस 9,999 मतलब 10,000 है पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद ये डिवाइस आपको अंडर 9,000 पे मिल जाता है तो 9,000 की प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते। आदर्श एक ब्रांड पे आपको मिलता है 8GB 128GB जिसके कान टाइम पे प्राइस 11,000 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। दोस्तों ये डिवाइस है पोको की तरफ से पोको M6 Pro 5G। तो दोस्तों अभी करंट टाइम पे इंडिया के अंडर 10,000 में सबसे अच्छा 5G मोबाइल यही है फीचर वाइज। तो एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं लुक एंड डिजाइन की। तो इस प्राइस पॉइंट पे आपको ग्लास बैक मिल जाता है जो इस मोबाइल को एकदम प्रीमियम लेवल का बना देता है। तो लुक वाइज ये डिवाइस काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। जैसे कि एक 5G गेमिंग डिवाइस है तो यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 4Gen 2 5G चिपसेट जो 4 NMP पे बेस है। तो इस प्राइस पॉइंट पे ये प्रोसेसर वन ऑफ द बेस्ट है। इसकी जो एंथोस स्कोर वो 4 लाख से भी ज्यादा है। तो इस मोबाइल पे आप फ्री फायर पबजी हाई लेवल पे खेल सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी लैगिंग का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा और कोई भी टाइप की गेम प्ले आप इस मोबाइल पे कर सकते हो। तो आप अगर 10,000 के अंदर एक गेमिंग डिवाइस भी लेना चाहते हो तो ये मोबाइल काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। और दोस्तों बात करें रैम रोम की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला बेस ब्रांड पे 4GB+128GB रोम, वहीं पे आपको दो ऑप्शन और भी मिलेगा 6GB 256GB और 8GB 256GB। वहीं पे बात करें डिस्प्ले की तो पोको की सबसे बड़ी डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.79 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले जिसकी रिफ्रेश रेट 90Hz है तो गेम प्ले के लिए 90Hz
काफी फायदेमंद होने वाले हैं। और दोस्तों प्राइस के हिसाब से यहाँ पे कैमरा भी आपको काफी तगड़े मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, जिससे आप 1080 पे 30 एफपीएस पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा। बात करें फोन कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। तो कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छा है। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 5000 mAh का लार्ज बैटरी विथ 18 वाट फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो बेस वेरिएंट 4GB प्लस 128GB है, उसके ओरिजिनल प्लस 11,000 है, पर मैक्सिमम टाइम आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलता है, और कोई भी सेल पे आपको उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप ये देख सकते हो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस 9999 हो चुका है। तो अंडर 10,000 में ये मोबाइल काफी अच्छा है। उसके साथ साथ दो और वेरियंट है, 6GB 128GB जिसके प्राइस 12,000 है, और 8GB plus 256GB जिसके प्राइस आपको 13,000 है। तो आप प्रॉपर गेमिंग के लिए आप अगर लेना चाहते हो तो 6GB 128GB आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकता है। तो प्राइस थोड़ा सा ज्यादा रह गया, और वैसे भी आप नॉर्मल यूज के लिए 5G डिवाइस लेना चाहते हो तो 4GB 128GB आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A14 के लिए। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। वहीं पे बात करें कैमरा की, तो आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप मेन कैमरा से 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा, जहाँ से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला Exynos 1330 5G चिपसेट, जो 5nm पे बेस है, एक काफी पावरफुल सा एक चिपसेट है। और दोस्तों रैम रोम में यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट पे 4GB रैम 128GB रोम मिलेगा, अदर और एक वेरिएंट है जब आपको 6GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6000 mAh का लार्ज बैटरी, जहाँ पे आपको 25W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, पर आपको इस मोबाइल के साथ एडाप्टर नहीं मिलेगा, सिर्फ डाटा केबल ही मिलेगा, जो मुझे थोड़ा सा बेकार लगता है सैमसंग की मोबाइल के साथ। और दोस्तों इस डिवाइस में सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की जो सपोर्ट है वो भी दिया गया है। वहीं पे बात करें OS की, तो यहाँ पे आपको Android 13 रन मिलेगा, उसके साथ साथ UI Core 5.0 वर्जन होगा इसकी OS का। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे 4GB प्लस 128GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस 12,000 है, और दोस्तों उसके साथ साथ जो दूसरा वेरिएंट है 6GB प्लस 128GB उसकी प्राइस 13,500 है। दोस्तों आप अगर कोई भी सेल पे इस मॉडल को बाय करते हो तो यहाँ पे आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, जहाँ पे बेस वेरिएंट की प्राइस 11,000 के आसपास आ जाता है। इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छा सा एक डिवाइस है। तो आप अगर लेना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए एक डिवाइस 5G वाला, तो इसके साथ जरूर जा सकते हो, काफी शानदार सा ये मोबाइल।